दोस्तों, क्या भारत सरकार जल्द ही वीपीएन को बंद कर सकती है? दोस्तों, यह आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। तो आज बात करेंगे वीडियो में दोस्तों कि वीपीएन क्या है, अगर ये बंद होता है तो इसके क्या नुकसान है, तो सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों, वीपीएन सर्विस जो है एक आम यूजर के साथ साथ बड़े बड़े कंपनियों बिजनेस के प्राइवेसी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यानी उदाहरण के साथ समझाऊं, तो अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैकर्स के साथ साथ दोस्तों, अगर हैकर्स आप समझ ही रहे होंगे, तो हैकर्स के साथ साथ टेलीकॉम प्रोवाइडर या थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए यह जानना लगभग नामुमकिन होता है कि आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी पर्सनल आइडेंटिटी यानी कि आपकी पर्सनल पहचान के साथ साथ आपके मोबाइल पे या पीसी पे जो भी आप यूज करते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया, पर्सनल फाइल हो गया, या जो भी जैसे आप बोल सकते हैं बैंक डिटेल, ये सब सुरक्षित यानी कि सेफ रहते हैं। अगर दोस्तों मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, तो अगर कोई वेबसाइट बैन है तो उसे भी वीपीएन के जरिए यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल करके आप उसे भी उस वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप भारत में नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं तो आप दोस्तों अमेरिकन नेटफ्लिक्स के कंटेंट भी आसानी से देख सकते हैं। तो वीपीएन किसी भी कंपनी को डिजिटल मोड में सुरक्षित तरीके से काम करने का माहौल अवेलेबल कराती है, जिससे कि वर्क फ्रॉम होम में यानी कि जो भी वीपीएन यूज कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में काम करने वाले कंपनियों के एम्प्लॉय सुरक्षित तरीके से काम को कर पाते हैं। दोस्तों, वीपीएन सर्विस में एनक्रिप्टेड डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोई भी आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर सकता है। दोस्तों, मतलब साफ है कि वीपीएन का इस्तेमाल से आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को आसानी से हाइड कर पाते हैं। वीपीएन सर्विस को पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल के दौरान भी हाइड कर सकते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% लोग एक माह में कम से कम दोस्तों एक बार वीपीएन का सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। बात की जाए दोस्तों कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल मोबाइल गेम पबजी खेलने के लिए वीपीएन का यूज किया जाता है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही वीपीएन सर्विस को बैन कर सकती है। दोस्तों, ये रिपोर्ट हाल में ही पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पिटीशन के बाद आई है। तो कमेटी के तरफ से यह कहा गया है कि भारत सरकार को जल्द ही वीपीएन सर्विस को बंद कर देना चाहिए। तो वीडियो में अगर बात करें, तो अगर वीपीएन सर्विस बंद होती है तो इस पे क्या असर पड़ेगा और इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो एक्सपर्ट का मानना है कि अगर वीपीएन सर्विस बैन होती है तो इससे प्राइवेसी को लेकर चिंताएं सामने आएगी। तो कंपनियों के तरफ से एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम काम करने की सुविधाएं यानी कि फैसिलिटी मिल रही है। यूजर्स कहीं से भी किसी भी लोकेशन से भी अपने कामों को कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान उनके डेटा और नेटवर्क एनक्रिप्टेड रहता है, लेकिन दोस्तों वीपीएन बंद होने के बाद रिमोटली काम करने वाले एम्प्लॉय को दिक्कत हो सकती है। ये था दोस्तों मेरे द्वारा वीपीएन के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं अपने चैनल पे इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करते रहता हूँ। जुड़े मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दें नीचे रेड बटन बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को, जिससे कि मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक की ज्ञान स्टे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।